जबलपुर के बरगी में एसबीआई का एटीएम बीते 15 दिनों से बंद है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहक एटीएम से पैसा निकालने के लिए चक्कर काटते हैं, लेकिन बंद एटीएम से उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। वहीं बैंक मैनेजर मशीन बदलकर दूसरी मशीन लगवाने की बात कह रहे हैं। यह है बरगी का एसबीआई एटीएम। इसके भरोसे यदि आप पैसा निकालने आ रहे हैं तो बिल्कुल भी इसके भरोसे न रहें, क्योंकि यहां पर अक्सर ताला ही नजर आता है। एटीएम से पैसा निकालने वालों को यह ताला ही स्वागत करता है, जिसके बाद ग्राहक मायूस होकर लौट जाता है। मैं आज पहले भी आया था, एटीएम बंद और अभी भी आया, एटीएम बंद है, मैं उसे पैसे निकाल रहा हूँ, बड़ी समस्या जा रही है। हर दिन का ये नाटक रहता है यहाँ पर, बरगी एटीएम में अक्सर से मैं आया हूँ। मुझे यहाँ परेशानी है, बच्चे की तबीयत खराब है मेरी, दवाई भी करवाना है, मैं कैश निकालने के लिए ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं वहाँ भीड़ में लाइन पे लगो, बड़ी समस्या है। एटीएम होने के बाद भी अपने हाथ की समस्या झेलना पड़ी बरगी में हम लोगों को। वही मामले में जब बैंक मैनेजर से शिकायत की गई तो उनका कहना है कि एटीएम बंद नहीं रहता, बल्कि मशीन बदलने के कारण एटीएम बंद है। अब पैसा जमा करने वाली मशीन भी लगाई जा रही है, जिससे ग्राहकों को और भी सुविधा मिलेगी। खराब मशीन नहीं है और कभी भी ये नहीं रहा है कि बंद रहा है। वो हमारा जो एटीएम था वो सिर्फ पैसा निकालने के लिए था और वो पुराना था, तो बैंक ने उसको चेंज करके अभी वो जो एटीएम लगाया है उसमें डिपॉजिट भी होगा और पैसे निकलेंगे भी। तो ये नई सुविधा दी है और वो जो उस मतलब इंजीनियर आ करके आज चालू कर देगा। मेरा परसों दो दिन से बंद है, एक हफ्ते से बंद नहीं है जी, सिर्फ दो दिन से बंद है। नहीं सर, आपको जानकारी गलत है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमारी अवेलेबिलिटी 98% है और जबलपुर की जो दो टॉप एटीएम है उसमें हमारा नाम है, एक शक्तिनगर और एक हमारा अवेलेबिलिटी 98% है।